जगदलपुर में केंद्र सरकार की उड़ान योजना पूरी तरह से फ्लॉप होती जा रही है। आनन फानन में शुरू हुई यह योजना कुछ महीनों तक चलने के बाद दम तोड़ती अब नजर आ रही है। बीते 14 अक्टूबर से इसे दोबारा शुरू करने की बात सामने आई थी, लेकिन अब यह योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, जिसकी वजह से बस्तर वासियों के लिए हवाई यात्रा करना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया है। दरअसल साल 2018 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत बस्तर के व्यापारियों और मिडिल क्लास के लोगों को सस्ते दाम में हवाई यात्रा का लाभ लेने की मंशा थी। शुरुआत में कुछ महीनों तक एयर उड़ीसा के 18 सीटर विमान ने अपनी सेवा भी बस्तर के लोगों को दी, लेकिन लगातार घाटा होने के चलते एयर उड़ीसा ने अपनी सेवा बंद कर दी। अब नवंबर 4 को एक बार फिर सर्वे किया जा रहा है, जिसके बाद तय हो पाएगा कि बस्तर में हवाई सेवा एक बार फिर से शुरू हो पाएगी या नहीं। ऐसे में बस्तर वासियों का सस्ती हवाई यात्रा का ख्वाब टूटता हुआ नजर आ रहा है। बस्तर में हवाई सेवाओं के संदर्भ में आपने पूछा, बहुत दुखी मन से कहना पड़ता है कि बस्तर वासियों को, चाहे वो रेल मार्ग हो चाहे हवाई सेवा हो, यहाँ के लोगों को सरकारें मूर्ख समझती रहीं और मूर्ख बनाती आईं। अगर हवाई सेवा स्टार्ट हो जाएगा तो हम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, वहाँ से सेवा स्टार्ट कनेक्ट हो जाएगा। अगर बड़े मेट्रो सिटी से हमारा व्यापार कनेक्ट हो जाएगा तो इससे व्यापारी को बहुत लाभ मिल सकता। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर खुद इसका शुभारंभ किया था और जिस तरह से ही ठंडे बस्ते में इस योजना को डालता हुआ नजर आ रही है, डलती हुई नजर आ रही है, किस तरह से इसे देखा जाए, क्या आखिर मेन वजह यहाँ पर नजर आ रही है जिस वजह से यहाँ पर काम रुक गया है? देखिए, जिस तरीके से जो उड़ान योजना यहाँ पर शुरुआत की गई थी और यह योजना था कि जो हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई सेवा का आनंद ले पाएंगे, लेकिन वहीं पर ये दूसरी तरफ ठंडे बस्ते में जाती हुई यहाँ पर नजर आई, क्योंकि दो बार यहाँ पर कंपनियां आई हैं, एयर उड़ीसा यहाँ पर आई हुई थी, वो करीब 10 दिन या 15 दिन यहाँ पर चली, उसके बाद से उन्होंने भी सेवा बंद कर दी क्योंकि घाटे में चली गई थी कंपनी। तो कहीं ना कहीं जो बस्तर वासियों के जो उम्मीद था, बस्तर वासियों के अंदर जिस तरीके से खुशी थी, वो कहीं ना कहीं टूटती यहाँ पर नजर आई। और व्यापारी जिस तरीके से यहाँ पर खुश थे, क्योंकि जो एयर यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, जो वो उड़ीसा से लेके और हैदराबाद रायपुर को कनेक्ट कर रहा था, जो स्वास्थ्य के संबंध में अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य के संबंध में भी यहाँ पर काफी सुविधा मिल रही थी लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर निराशा देखने को मिला। और लेकिन अभी एक नया अपडेट जो निकल कर सामने आ रही है कि 4 नवंबर को यहाँ पर एक बार एयर इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंचेगी सर्वे के लिए, और उसके बाद से स्पष्ट हो पाएगा कि इस यहाँ का जो एयरपोर्ट है इसको चालू कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो बीच में रनवे लेने के लिए जो यहाँ पर डीआरडीओ के जो कॉलोनी बनी हुई है वो दिक्कत कर रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्योंकि जो टीम आई थी, एयर उड़ीसा की टीम भी आई थी यहाँ पर, उन्होंने कहा कि दिक्कत यही है कि जो डीआरडीओ की वहाँ पर कॉलोनी बनी हुई है वो ज्यादा स्पेस चाहिए उनको, वो स्पेस नहीं मिल पा रही है, इसके कारण चालू नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर नेताओं की बात करें अपन, तो लगातार दावा यही किया जाता है कि तारीख पे तारीख आता है कि अभी 18 तारीख को चालू होने वाली थी, लेकिन फिर से उसको तरका के और डेट आगे कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बस्तर वासियों के अंदर यहाँ पर निराशा देखने को मिल रहा है। हम लगातार बात किए व्यापारियों से, व्यापारी वर्ग से बात किए, अगर स्वास्थ्य के तरफ देखा जाए तो हम जब लोगों से बात किया तो उनके ऊपर, उनके अंदर जो निराशा था वो निराशा जाहिर किए, काफी दुखी मन से उन्होंने कहा कि अब बस्तर को जोड़ना चाहिए एयर बस। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया था, इतना उत्साह से शुभारंभ यहाँ पर हुआ था और काफी बस्तर वासियों के अंदर खुशी थी, लेकिन ये टूटता हुआ नजर आ रहा है और बस एक ख्वाब बन के रह गया है यहाँ पर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी को साझा करने के लिए।